इसीलिए ये लोग रिसर्च करते हैं। अरे हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। उत्तर बिहार का लोग द्वार ऊंचा कर रहा होगा, सामान ऊपर सजा रहा होगा, कहीं के लिए घर छोड़ के भागना होता है, उसको सिखा रहे हैं आप। कनाडा में जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ लोगों के खेत होते हैं 40 गांव इन्हीं का है। हाँ जी, ऐसे खेत होता है, बिगा उगा गया काम से। आबादी कम है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उत्तर प्रदेश से जनसंख्या कम है, नहीं समझे? अभी एट प्रेजेंट कनाडा की पॉपुलेशन कितनी हो रही होगी? लगभग 4 करोड़। आप बता, लगभग 4? आप बताओ। हम लोग बिहार के 12 करोड़। ये है कनाडा, ये है कनाडा। बिहार, बिहार 12 करोड़, 4 करोड़। अब समझ में आ रहा है हम लोग कैसे एडजस्ट किए हम लोग 12 करोड़ लोग कैसे एडजस्ट, और उस सबका पूरा खुला खुला है किसी का। इसीलिए ये लोग रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें जीवन में पता है कि कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी ये क्लास वन की जिंदगी जिएंगे। जमीन है इनकी 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, खेती कर लेगा, 2,000 भैंस पाल लेगा। हम लोग यहाँ 2 गो भैंस पालने में हालत खराब हो जाता है, हफ्ता में 4 बार और रहना जाएगा, ए तार भैंस हमारे खेत गेहूँ खा गई लो, नहीं समझ आया। वहाँ भैंस पालेगा तो 500 भैंस केवर पाल लेगा, मशीन से दूहेगा, वहाँ दिक्कत ना। लोग कहते हैं कि रिसर्च में, अरे हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ बस्ता टांगने की उम्र में ना बच्चों के कंधे पे घर की जिम्मेदारी टांग दी जाती है, क्या रिसर्च करेगा वो? उसको नहीं शौक है रिसर्च करने का। कनाडा के लेके जाके कहिएगा ना, तुमने तैयारी करो तो तुम बीपीएससी की, पूछेगा हाउ मच सैलरी, 1 लाख, नो 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 नो, 5 लाख तो हम भैंस पाल के कमाए। उन लोग के अंदर सोशल सिक्योरिटी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, और हम लोग के यहाँ लोग आके सिखाता है, समझाता है। हमको एक आदमी आके कह रहे थे, खान सर आप बच्चों को प्रेरित करिए कि एंटरप्रेन्योर बने, उद्यमी बने। हमको भाई आप उद्यमी बनने के लिए सबसे पहले चाहिए पूंजी, दिलाइएगा। एक लड़का बैंक के घूमते घूमते उसका चप्पल घिस जाएगा, बैंक वाला जल्दी लोन नहीं देगा उसको, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं यहाँ पे। अकाउंट खोलना, हमारा HDFC अकाउंट नहीं खोला था आज से 4-5 साल पहले, नहीं खोला था, अभी हम भी नहीं खोलते हैं, नहीं खोल, हमारा नहीं खोला था यहाँ पे। एक बाकी कई बैंक ने खोल दिया था, जैसे प्राइवेट में ये ICICI, एक्सिस, ये सब जो खोल देते हैं वहाँ पे। और एक महिला थी बैंक मैनेजर, उसको हम बताएं कि ऐसा ऐसा समस्या है, नहीं खुल रहा है यहाँ पे। उसने बहुत कॉपरेट किया, वर्क किया, बाकी साइन इन कर दी फॉर्म, वो लोग काफ़ी कॉपरेट करते। तो बैंकिंग जॉब कुछ कुछ लीडिंग पोजीशन है ना जिसमें आप ही लोग बहुत बेहतर करते हो, आप उस चीज़ को पहचानिए जहाँ आप लोग बेहतर करते हो। हमारा खोल में नहीं किया था अकाउंट, तो एक गाँव के आदमी का क्या हाल करता होगा जी? हाँ, एंटरप्रेन्योर बनेंगे यहाँ पर। अरे हमों को गांव के किसी आदमी को 500 बीघा जमीन दे दीजिए, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि उद्योग कैसे स्थापित किया जाता है। 500 बीघा जमीन देंगे ना, 10 बीघा में मछली, 10 बीघा में भैंस, 10 बीघा में गाय, 10 बीघा में बकरी, 10 बीघा में मधुमक्खी, यानी फल, इधर मुर्गी फार्म, बतख फार्म, मछली फार्म, मार उद्यमी बना के आप मस्त फॉर्चुनर लेके घूमेगा मस्त यहाँ पर, उसको सिखा रहे हैं आप? हाँ, जो इंसान 2 टाइम खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये सोच रहा है कि कौन कौन आकर खेत बेचेंगे तो बेटी का दहेज देंगे, उसको आप अगर उद्योग उद्यमी सिखा रहे हैं, आप उसके गरीबी पे हंस रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे उद्यमी, ई सुशांत का कोनो स्पेशल दिमाग है? इन उद्यमियों को बसाइए ना यहाँ पे, इन सबको सोच के आपको डर लगेगा हम 12 करोड़ एडजस्ट कैसे किए हैं। बगलिए में उत्तर प्रदेश 22 करोड़, अरे हम यूपी बिहार की जनसंख्या बहुत भयानक हो गई, यूपी बिहार बंगाल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग को उद्यमी सिखाते हैं। आप ही को हम बताइए 500 एकड़ जमीन दे देंगे, आप रेलवे की तैयारी करिएगा, कहिएगा SSC CGL,
हाँ रीजन क्या है? देखिए अल्टीमेटली अगर आप अंडर द टेबल रिश्वत नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा आप मकान नहीं बना पाइएगा। एक बढ़िया मकान बनाने में आपके 8 साल की नौकरी की सैलरी चली जाएगी अगर आप रिश्वत ना ले तो। सरकारी नौकरी में कितना ही दे देता आप लोग को, अलग बात है कि आपको रिश्वत अंडर द टेबल इधर उधर कुछ घींच तान करके आप काम कर देते हैं यहाँ पे। अगर केवल ईमानदारी की बात करेंगे तो 8 साल 9 साल अगर आप नौकरी करिएगा ना तब जाके आप बढ़िया से एक तो ठीक ठाक मकान खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि आपका रेगुलर खर्च भी तो होता है। सारी सैलरी आधा तो ऐसे उड़ जाएगा, पीएफ वगैरह में काटे कूट के आपका 80% बच के ये करेगा यहाँ पे। तो ये लोग हैं लोग उस लाइक के, हमारे यहाँ के लोगों को सिखाता है सब। बिहार के लोग उद्यमी नहीं है, आके जियो कैसे? हम लोग पे जो गुजरता है वो हम ही लोग समझते हैं। आधा फसल बाढ़ खराब कर देता है, उत्तर बिहार डूब गया, शुरुआत हो गया ना, पूरी दुनिया उद्यमी में बैठल होगी, बाकी उत्तर बिहार का लोग द्वार ऊंचा कर रहा होगा, सामान ऊपर सैयार रहा होगा, काहे के लिए घर छोड़ के भागना होता है, सर्टिफिकेट लेके भाग गया होगा अभी ये यहाँ पे। और हम लोग को सिखाएगा उद्यमी, आओ तुमको तैरना सिखाते हैं हम लोग।